राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। महाराष्ट्र के पुणे में जीका वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 1 जुलाई को 2 प्रेग्नेंट महिलाओं में वायरस की पुष्टि होने के साथ पिछले 11 दिनों में मरीजों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। ये दोनों नए केस एरंडवाने में मिले हैं। 21 जून को पुणे में जीका वायरस का सबसे पहला केस एक डॉक्टर में मिला था। इसके बाद उनकी 15 साल की बेटी भी संक्रमित मिली थी। दोनों उसी इलाके में रहते हैं जहां 2 नए मामले मिले हैं। टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित इलाके से कई सैंपल लिए हैं। इसके अलावा यहां दवाओं का स्प्रे और फॉगिंग की जा रही है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। पुणे नगर निगम की स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कल्पना के मुताबिक उनकी टीम ने 25 सैंपल कलेक्ट किए हैं। एरंडवाने इलाके से लिए 12 सैंपल में से 7 गर्भवती महिलाओं के थे। इनमें से 2 गर्भवती महिलाओं की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। इन मरीजों की देश या विदेश की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। टीम ने मुंधवा से भी 13 सैंपल लिए थे जिनमें से किसी भी गर्भवती महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं थी। जीका वायरस एडिज मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है। इसमें ऑर्गेनिज्म हमारी कोशिकाओं का इस्तेमाल करके अपनी ढेर सारी कॉपीज बना लेते हैं। इस बीमारी के साथ मुश्किल यह है कि ज्यादातर संक्रमित लोगों को पता ही नहीं चलता कि वे जीका वायरस से संक्रमित है। असल में जीका वायरस के लक्षण बहुत हल्के होते हैं। इसके बावजूद यह गर्भवती महिलाओं को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। इस वायरस के कारण भ्रूण का मस्तिष्क पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।